जसपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक खूबसूरत जिला है। यह जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है। वहीं जसपुर जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जसपुर नगर है। जसपुर लगभग 6,457 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जसपुर जिले की जनसंख्या 8,50,000 से ऊपर थी। जनसंख्या के मामले में जसपुर छत्तीसगढ़ का 11वां सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है। जसपुर में 1,000 पुरुषों पर 1,004 महिलाएं हैं। जसपुर की प्रत्येक आबादी 200 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। वहीं जसपुर जिला 9 तहसीलों में बटा हुआ है। फरसाबहार, कांसाबेल, बगीचा, जसपुर नगर, कुनकुरी, मनौरा, दुलदुला, पत्थलगांव और सन्ना शामिल है। इसके अलावा जसपुर जिला कई पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। जसपुर के उत्तर पूर्व में झारखंड का गुमला और सिमडेगा जिला, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला, दक्षिण पश्चिम में रायगढ़ जिला और उत्तर पश्चिम में सरगुजा जिला स्थित है। जसपुर जिले की कुल आबादी में 74% हिंदू, 22% ईसाई, 2% मुसलमान, बाकी 2% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर जसपुर से लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर है। जसपुर शहर की वाहन पंजीकरण कोड CG14 है। यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं सादरी, कुरुक, छत्तीसगढ़ी, ओडिया, हिंदी, भोजपुरी एवं अन्य है। जसपुर खासकर अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। मुस्कुराइए कि आप जसपुर जिले में हैं, क्योंकि जसपुर ही वो जिला है जहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च मौजूद है। इतना ही नहीं, जसपुर को झरनों का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे झरने देखने को मिलता है। वहीं जसपुर जिले की कैलाश गुफा की बात करें तो ये गुफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आते हैं। और तो और, जसपुर को आदिवासियों का गढ़ भी कहा जाता है, जो जिले की आबादी का 60% निवासी है। वहीं जसपुर जिले की सबसे ठंडा स्थान पंडरापाड़ और सबसे गर्म स्थान कुनकुरी है। वहीं जसपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील बगीचा और सबसे छोटी तहसील कुनकुरी है। इसके अलावा जसपुर ही वो जिला है जहां छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है, जो 9 दिनों का रहता है और यहाँ का ये प्रमुख त्योहार भी है। और तो और दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य जसपुर जिले में ही स्थित है। जसपुर छत्तीसगढ़ के बाकी इलाके की तरह अपने संस्कृति, लोक नृत्य और संगीत एवं त्योहारों के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है। जसपुर जिले की कुल साक्षरता दर 70% है। वहीं शिक्षा संस्थानों में गवर्नमेंट कॉलेज दुलदुला, गुरुकुल कॉलेज पत्थलगांव, लोयला कॉलेज कुनकुरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जसपुर, गवर्नमेंट राम भजन राय PG कॉलेज, गवर्नमेंट विजय भूषण सिंह देव गर्ल्स PG कॉलेज यहाँ का प्रमुख शिक्षा संस्थान है। जसपुर किसी जमाने में एक रियासत हुआ करता था और जसपुर ही इस रियासत की राजधानी थी। यहाँ पर मुगल काल के समय डोम राजवंश के राजा का शासन हुआ करता था, मगर सूर्यवंशी राजा के पुत्र सुजन राय ने डोम राजवंश के राजा को युद्ध में मारकर अपना शासन शुरू किया और एक नया जसपुर राज्य की स्थापना की। वहीं भारत की स्वतंत्रता के बाद जसपुर को रायगढ़ जिले में शामिल कर दिया गया था और आज जसपुर छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जिला बन गया है, जो अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए
पूरे भारत में जाना जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं जसपुर की उन्हीं खूबसूरत स्थानों को जिनके कारण जसपुर पूरे भारत में लोकप्रिय है, जिनमें कैलाश गुफा, राजपुरी झरना, कुनकुरी चर्च, रानी दाह झरना, दनगरी झरना, खुड़िया रानी गुफा एवं मंदिर, सोगड़ा आश्रम, बादल खोल अभ्यारण्य, स्नेक पार्क, गुल्लू झरना, दमेरा झरना, लोरो घाटी, कोतेबीरा शिव मंदिर एवं ईब नदी, चिरचिरी झरना, मधेश्वर महादेव, मकरभंजा जलप्रपात, चारूडी चाय बगान, देश देखा, मयाली नेचर कैंप, सरना एथनिक रिसोर्ट और एवं जिला संग्रहालय यहाँ का प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। जसपुर कैसे पहुँचे? तो दोस्तों जसपुर अपने सड़क मार्ग के जरिए रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रांची, रायगढ़, जगदलपुर एवं आदि प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप जसपुर नगर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।